नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं आज यहां पर आपको 10 दिन जो आपके यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए बचे हुए हैं उसके लिए स्ट्रेटेजी बताने आया हूं कि लास्ट मोमेंट में आपको करना क्या है, ये 10 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करना है। आज का दिन तो जा ही रहा है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 9 दिन बचे हुए हैं, तो आपको कैसे इस 9 दिन को यूटिलाइज करना है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या करना है, उस पर हम बात करेंगे। एडमिट कार्ड आ चुका है, आप सभी लोग अपने अपने सेंटर को देख लिए होंगे, सभी का डाउनलोड भी हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो एक दो दिन में सॉल्व हो जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। मेन अब मुद्दा ये आता है कि ये 10 दिन 9 दिन जो बचे हैं हमारे पास, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, उसमें क्या पढ़ें ताकि वो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो, पढ़ने के लिए तो मैं नया कुछ भी नहीं बोलूंगा भाई साहब, पढ़ना जितना था आपने पढ़ लिया। 10 के 10 दिन आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने इन पूरे जितना भी आरओ के लिए आपको समय मिला है, ठीक है, उसमें अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं पढ़ा हो, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाओ तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, स्ट्रेटजी मेन होनी चाहिए कि आप क्या पढ़े हो, क्या छोड़े हो। ठीक है, तो उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि 10 दिन में आप कवर भी नहीं कर पाओगे जो चीज़ें हैं। मेनली आपको ये है कि जो आपने पढ़ा है उसको प्रॉपर रिविजाइज करो, जो नहीं पढ़ा है उसे छोड़ दो, चाहे उससे क्वेश्चन आए चाहे ना आए, उससे हमें दिमाग में रखना ही नहीं है कि ये पोर्शन हमारा छूटा हुआ है, ये माइंड से अपने हटा दो। बस ये रखो कि मैक्सिमम हमने कवर कर लिया है। कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे कि लिमिटेड सीट हैं, अभी कहीं भी कोई भी ये संदेश नहीं मिला है कि सीटें बढ़ाई गई हैं आरओ के लिए, एआरओ की सीटें ज़्यादा हैं। तो जो बच्चे ओ लेवल वाले हैं उन तो बेफिक्र रहो, उनका कितने पर सिलेक्शन हो जाएगा वो मैं बता दूंगा। आरओ वाले का इस बार सीट के अकॉर्डिंग कितना कटअप जाएगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सिलेबस में आप लोग देख रहे हो कि जो जीएस पेपर आपका होगा 140 क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा, ठीक है, 140 क्वेश्चन आपके जो यहाँ से आने वाले हैं 140 मार्क्स के, उसके लिए आपने सभी प्रिपरेशन कर लिया होगा। अगर कुछ छूटा है तो उसमें आपको छोड़ दो, कुछ नया ना पढ़ो, बस इन टॉपिक को रिवाइज करो। इसमें भी सिर्फ नेशनल मूवमेंट को पढ़ो, एंशियंट और मेडिवल को छोड़ दो, उसे रिवाइज करना भी मत। ठीक है, आपके जितने दिन बचे हैं उसमें मैं बता दूं कि कैसे आपको पढ़ना है वो डिसाइड कर लेना। ठीक है, दो दिन इसके लिए दो, कितने दिन, 2 डेज दो। दो दिन में आप इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेरा ये कहना है, मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपके पास अगर 10 दिन हैं, 10 डेज हैं, तो आपको 10 डेज तक दो चीजें तो आपको रेगुलर लेके चलना है। आपके पास 24 आवर में मैं बात करूं तो ओवरऑल 10 घंटा आपका घटा दूं, 6 घंटा सोने का और 4 घंटा आपके बाकी काम करने का, तो आपके पास 14 घंटा बचता है। 14 घंटे में अगर आप 8 आवर डेली क्या करो, 8 आवर डेली आपको क्या करना है, जिसमें से 4 आवर किसके लिए निकालना है, करंट के लिए निकालना है। 4 आवर करंट रोज, 10 दिन ये जो बचे हैं उसको रिवाइज करो। लेटेस्ट 5 महीने, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 15 नवंबर तक की खबर पढ़ो, तो ये करंट जो है आपको 5th मंथ लेटेस्ट आपको देखना है, उसको जो आप पढ़े थे, जो भी कंटेंट फॉलो किया उसी को फॉलो करके रिवाइज करिए। मैं रिवाइज करने की बात कर रहा हूँ। डेली 4 घंटे आप किस पर दीजिए, हिंदी पर दीजिए, ताकि आप अच्छे से इस पर बिंदी लगा सकें, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन कराएगा। 60 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप 53 प्लस करने की कोशिश करिए, कितना, 53 प्लस सही करने की कोशिश करिए। ठीक है, 53 प्लस सही आपके होंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर हिंदी में। तो इन दोनों को, हिंदी को और करंट को, आपको 10 दिन रोज पढ़ना है। हिंदी में भी बता दूंगा आपको किसको बहुत अच्छे से रिवाइज्ड करना है, करंट को आपको साथ साथ लेके चलना है। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं बात करूं मॉडर्न इंडिया की, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसको आप 2 दिन में खत्म कर सकते हो, 2 डेज इसके लिए सफिशियंट है। देखो, 8 घंटे तो आपके यहाँ यूटिलाइज होंगे ना, आपके पास 14 घंटे बचे थे तो 8 घंटे हो गए, 6 आवर आपके पास लेफ्ट बचता है, तो 6 आवर में आप एक दिन मॉडर्न इंडिया पढ़ लो, 2 दिन, ठीक है, 6-6, 12 घंटे में आप मॉडर्न इंडिया को समाप्त कर सकते हो, 12 आवर में आपका मॉडर्न इंडिया अच्छे से रिवाइज्ड हो जाएगा, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा मॉडर्न इंडिया। तो 2 दिन मतलब 6 आवर पर डे, 6 आवर पर डे आपके पास जो समय बच रहा है इन दोनों को लेने हटाने के बाद, 8 घंटा के बाद,
तो 6 घंटे मॉडर्न हिस्ट्री आप 2 दिन पढ़ लो, उसी तरह पॉलिटी आप कवर कर लो, पॉलिटी में भी 2 दिन आप, ठीक है, 6 आवर पर डे बेसिस पर इसको कवर कर लो। पॉलिटी के बाद आपके पास मेन बचता है जीओ, इसको भी 2 डे 6 आवर पर डे रिवाइज करना है आपको, नए कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। जियो हो गया, उसके बाद से यूपी स्पेशल और सेंसस की बात किया जाए, तो 2, 2, 4, 2, 6 यूपी स्पेशल और सेंसस की बात करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2, 2, 4, 2, 6 2 दिन इसको दे लो, तो 8 दिन पर डे हो गया आप, 6 आवर पर डे, 6 आवर पर डे बेसिस पे इसको भी दे दिए, मेन चंक आपका कवर हो गया। बाकी एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, और भी जो मिसलेनियस टॉपिक हैं वो आप जो भी है आपका करंट से रिलेटेड, एक तरह से बोला जाए इकोनॉमिक्स है, वो करंट में ही कवर होता रहेगा। तो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, मिसलेनियस पोर्शन जो आप पढ़े हो उसको 1 दिन में रिवाइज कर सकते हो, ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी आप जिसको जो फॉलो करते हो उसको अच्छे से फॉलो करो, लेकिन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, नए सब्जेक्ट पे फोकस नहीं होना है कि मेरा ये छूटा हुआ चलो 5 दिन में ये पढ़ लेते, नहीं, वो 5 दिन में आप प्रॉपर रिवीजन करोगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम आपके चांसेस हो जाएंगे कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो जिस जिस पोर्शन को मैंने बोला, एंशियंट मिडिवल को छूना नहीं है, ठीक है, एंशियंट मिडिवल को सुना नहीं है। देखो एक साइंस का पोर्शन बनता है, तो साइंस वाले का प्रीवियस ईयर, मतलब एक तरफ PYQ आप क्या करो, MCQ से, घटना चक्र से, इसको क्या करो, किसी तरह बिस्तर पे जाते वक्त एक एक घंटा निकाल के, जो 14 घंटा था उसको 15 घंटा आप मान के चलो, एक एक घंटा अगर आप साइंस को करते हो, क्योंकि साइंस बहुत ही ईजी आता है, साइंस क्या आता है, ईजी आता है, तो प्रीवियस ईयर आप कर लेते हो इसी दिन, एग्रीकल्चर के साथ 1 दिन में प्रीवियस ईयर चार्ट डालो, कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका हम मैं बता दिया। अब कुछ मैं जो जनरल मेन मेन सब्जेक्ट है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें आपको क्या पढ़ना है, लास्ट मोमेंट में किन घटनाओं को ज्यादा फोकस में रखना है वो मेरा ध्यान रखो। जैसे हिंदी तो भैया मैंने बता दिया कि आपको 4 आवर पर डे पढ़ना है, 4 आवर पर डे इसको पढ़ना है, जिसमें पर्यायवाची शब्द, जो कठिन शब्द होते हैं ना, जो भूलते हैं जल्दी, उनको लिख लिख के याद करो, ठीक, रिवीजन हमेशा रखो पर्यायवाची को, क्योंकि ये क्या है, पढ़ने वाले हैं, तत्सम तद्भव की जो पहचानने के तरीके होते हैं उसको जान लो। विशेषण विशेष अगर आपको बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत उस पर टाइम ना वेस्ट करो कि नहीं मैं इसी को ज्यादा पढ़ूंगा, जो आता है ये क्या है, शब्दों का ज्ञान, जितना मैक्सिमम कठिन वर्ड हो सके उसको आप रेगुलर इंटरवल में, इसीलिए मैं बोला पर डे आपको 4 घंटा हिंदी देना है, 4 घंटा अगर हिंदी को देते हो पर्यायवाची, विलोम और तत्सम तद्भव को, तो ये मैक्सिमम है कि आपको अच्छा खासा यहाँ का दोहराव हो जाएगा जो जल्दी भूलता है। बर्तनी और वाक्य शुद्धि में बहुत ज्यादा भूलने वाले प्रोसेस नहीं होता है, वो आप सेंटेंस पढ़ के समझ सकते हो, आपको थोड़ा सा भी ग्रामेटिकली हिंदी के हैं और हिंदी हमेशा सेंटेंस पढ़ने से और बोलने से ही समझ में आ जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पोर्शन जो होते हैं आपके 60 क्वेश्चन आपके हैं, आप मैक्सिमम बच्चे इसमें 53+55+ स्कोर करते हैं, तो आपको भी करना है, इसीलिए मैं पर डे बेसिस बोल रहा हूं हिंदी रिवाइज करो। जैसे हिंदी में मैंने कहा सबसे ज्यादा पर्यायवाची, विलोम और वर्तनी शुद्धि पर ध्यान दो, सबसे ज्यादा किसके क्वेश्चंस गलत ना हो। करंट पे क्या करना है, जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक करंट को फॉलो करो। अगर आप घटना चक्र के सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो अभी अभी मार्केट में घटना चक्र की सीरीज आ चुकी है, इसके लिए जैसे PCS के लिए आई थी वैसे इसके लिए भी आ चुकी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो भी सोर्स फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं लास्ट मोमेंट में कोई सोर्स बदलना नहीं है, जिस सोर्स से आप करंट पढ़ रहे हो उसी को रिवाइज करो, कई बार रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आपको हेल्पफुल होगा। अगला जो मैं बोलूं कि आधुनिक भारत में आपको क्या क्या पॉइंट पढ़ना है पूरे में, तो आधुनिक भारत में आपको सिर्फ जो कर्नाटक युद्ध है, आंग्ल मराठा युद्ध है, उनका क्रम कि किस क्रम में कौन से युद्ध हुए थे, क्योंकि क्रम आपको पूछता है, कालकार परिणाम संधियां जो हुई थी उनका भी क्रम आपसे पूछता है, उसके बाद से जो किसान जनजाति विद्रोह होते हैं इनसे क्या कूट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो PYQ जो है खासकर देख लेना, घटना चक्र से ये जनजाति आंदोलन वाले और किसान आंदोलन वाले PYQ देख लेना, यहां से आपका मैक्सिमम उसी से क्या होगा, 1-2 क्वेश्चन को मिलाकर क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। पुनः जागरण का, राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं, जो राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं हैं जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस हुआ, कानपुर षड्यंत्र केस हुआ, तो ये सब जो जितने भी आपके
कांड हुए ना, चाहे वो बम हो, उनका क्रम जरूर याद कर लेना, ठीक है। मेन होता है आपको क्रम, कि जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनमें कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, क्योंकि क्रम में अरेंजमेंट करना यूपीपीसीएस का इस समय एकदम पेट क्वेश्चन हो गया कि वो हमेशा हर एग्जाम में दे ही रहा है। तो ये हो गया हिस्ट्री की बात। भूगोल की बात करें तो भूगोल में आपको किस पे ज्यादा फोकस होना है, भारत विश्व की नदियां पर्वत दर्रे और जनजातियां, जनजातियां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं रिसेंट के 2 सालों में, ठीक है, ये ध्यान रखना, भारत के भी और विश्व के भी, यहां से कूट के आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। हवाएं जलधाराएं और घास के मैदान यहां से भी मिले हैं, तो इन पर भी फोकस होना है, और ज्वालामुखी के पर्वत, इन सभी के PYQ भी देख लेना साथ ही साथ, और जो आप पढ़ रहे हो जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना, जैसे मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको कितना टाइम देना है। पॉलिटी सबसे आसान होता है, पॉलिटी के सबसे आसान होते हैं और क्वेश्चंस बहुत आसानी से लग जाते हैं, और पॉलिटी इस बार पीसीएस में देखा जाए तो 20-22 क्वेश्चन आपके आए थे, तो चांसेस हैं हो सकता है पॉलिटी के क्वेश्चंस बढ़ें फिर से। तो एक बार ध्यान रखो कि 1 से लेकर 125 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपको रटा होना चाहिए, 1 से लेकर 125 के सभी आर्टिकल, और जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो बेसिक्स, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से मूल अधिकार, मूल कर्तव्य यहाँ के किस भाग में है, ठीक है, कितने शेड्यूल्स होते हैं, किस शेड्यूल में कौन सा है, पूरा भाग और पूरा शेड्यूल्स आपको पता होना चाहिए कि किस में क्या क्या है, यहां से जनरल क्वेश्चन। DPSP, पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, ठीक है, उसके बाद से संसदीय समिति और संवैधानिक विकास की जो पॉलिटी है, वो शुरुआत वाली, कि जब संविधान का विकास हुआ तो उससे रिलेटेड बहुत कम ही चांसेस है यहां से क्वेश्चन आए, लेकिन मैक्सिमम आपको संसदीय समितियां से क्वेश्चन आ जाता है, तो समिति याद रखो कि किसने कौन सी समिति का अध्यक्षता की थी यहां से। उसके बाद से मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, पार्ट और शेड्यूल जरूर याद रखना कि किस पार्ट में किसका जिक्र किया गया है। पंचायत को जरूर याद रखना, इसके आर्टिकल्स भी देख लेना, और जो मैंने बताया 1 से लेकर 125 तक सभी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ये आपके लास्ट में होने चाहिए, पॉलिटी कैसे पढ़ना है। उसके बाद से हम बात कर लें तो यूपी स्पेशल आपके पास है, अच्छा खासा चंक है यूपी स्पेशल का, जिसे भी आप फॉलो कर रहे होंगे, परीक्षा वाणी फॉलो कर रहे हैं तो उसी को फॉलो करिए, घटना चक्र को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को करिए, PYQ साथ साथ देखते रहिएगा, और रिसेंट में जो खासकर यूपी स्पेशल से अभी हमने देखा कि पीसीएस में इससे क्या था कि करंट के क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए थे, यूपी से करंट के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे, तो आप जब करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं जो यूपी के करंट है उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उन्हें भी दिमाग में रखना है कि साल में लास्ट आपके 5 मंथ में जो भी आपके यूपी से में कोई भी नई चीजें हुई हैं उसको ध्यान रखना है। तो यूपी स्पेशल में करंट से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, और जो आपके ट्रेडिशनल हैं कि कौन किसके लिए फेमस है, कौन सी जगह कहाँ पे है, ठीक है, ये सब चीजें आप जरूर अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा ऐतिहासिक पढ़ लो, घराने पढ़ लो कि कौन घराना कहाँ से है, ये सब वाला, तो ये सब चीजें आप अच्छा से कवर कर लो, PYQ साथ साथ में देखते जाओ। तो ये यूपी स्पेशल हो गया। एग्रीकल्चर का रिसेंट का जो डेटा आया है, ठीक है, जो डेटा है आपके नोट्स आपके पूरे उसमें ग्रुप में दिए गए हैं, जो आरओ के बच्चे हो आप लोगों को पूरे नोट्स प्रॉपर दिए गए हैं, और जो अपडेटेड नोट्स हैं एग्रीकल्चर के वो भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो मेरा कहना है कि ये लास्ट 10 दिन में कोई भी नई टॉपिक पे फोकस नहीं होना है, चाहे जिस सब्जेक्ट को छोड़ दिया, मान लो इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपने छोड़ दिया है, तो ये नहीं कि अब उठा के 10 दिन में इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे उसके, उसे छोड़ दो। 100% जरूरी नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, आप अगर 80% सिलेबस कंप्लीट किए हो तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे सिलेक्शन की बात करें, अगर हिंदी में आप 54+ लेकर आ रहे हो तो अभी आपके सिलेक्शन के लिए, खासकर आरओ के कट ऑफ के लिए बात किया जाए तो अगर 140+, देखो जो सीट अगर बढ़ गई तो 140 पे हो जाएगा, अगर सीट नहीं बढ़ती है तो भाई 140 से 150 के बीच में कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि 50 सीट ही है आरओ के लिए, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आरओ में आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो 54-55 नंबर यहाँ लाना, मतलब लाना पड़ेगा हिंदी में आपके 54, और बाकी आपके जितने बचे, क्योंकि अगर मान लो 150 कट ऑफ जाती है, इसमें से मैं 50 मान लूँ तो 100 क्वेश्चन आपको, 100 से 110 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, 100 से 110 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे GS पेपर में, ठीक है। अगर सीट बढ़ जाती है तो ये 100 से 110 कहाँ पे आ जाएगा कि आप 90 से 100 के बीच में अगर अच्छा कर ले जाते हो तो आपका आरओ के पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। एआरओ वाले के लिए क्या है, एआरओ वाले भैया अगर 50 क्वेश्चन आप हिंदी में 50+ जा रहे हो
तो यहां पर एआरओ को मैं कह सकता हूं कि 120 प्लस सिक्योर है, 120 से 130 जो है, क्योंकि 250 के अप्रोक्स इनकी सीटें हैं। तो अगर 120 टोटल, मतलब आप 50 यहां हैं तो 70 क्वेश्चन के अप्रोक्स, 70 से 80 क्वेश्चन आप अगर सही सही करके आते हो, ठीक है, तो आपको एआरओ मिल जाएगा मेंस लिखने के लिए, एआरओ के लिए मिल जाएगा। तो एआरओ वाले बच्चे, क्योंकि आरओ की सीट कम है इसलिए मैं ज्यादा कट ऑफ का डिसाइड कर रहा हूं, अगर सीट बढ़ जाती है, क्योंकि बढ़ी जाएगी, क्योंकि इस बार देख रहे हो पीसीएस में 900 सीट पहुंच गई है, तो हो सकता है इसमें भी बढ़ने के चांस हो। तो ये आपके 10 दिन की रणनीति होनी चाहिए कि कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिए हैं उसको प्रॉपर रिवाइज करिए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अगर हमसे जुड़े हैं तो वहाँ से पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या छोड़ें क्या पढ़ें। मैंने वैसे मैक्सिमम आपको बता दिया है कि लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करिए, वो भी 3 दिन पहले आप प्रैक्टिस बंद कर दीजिए, जितने भी टेस्ट पेपर कराए गए हैं उसके प्रॉपर एनालाइज करिए, जिसके भी टेस्ट से आप जुड़े हों उसको एनालाइज करिए, अपने मार्क्स को देखिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, उसके बाद से आपके स्कोर जो है बेटर से बेटर हो जाएंगे। तो आपको ये मार्क्स लेके चलना है कि हिंदी हमें बहुत अच्छे से करना है, जैसा मैंने बताया हिंदी और करेंट को रेगुलर आज से जो 10 दिन बचे हैं उसको पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नई रणनीति के साथ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।